स्वागत है फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरकर स्टडी पे। जैसा कि आप सभी को पता है कि इस चैनल के माध्यम से आपको टीचर एग्ज़ाम से रिलेटेड कंटेंट मिलते हैं, तो इसी संदर्भ में आज हम आपको गणित का कुछ ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में अध्ययन कराएंगे जिससे आपके एग्ज़ाम में बहुत सारे प्रश्न देखने को मिलते हैं। सीटेट बीटेट हो या फिर आपके कोई भी अन्य टेट एग्ज़ाम, या फिर आप कहें तो अभी बिहार बीपीएससी के द्वारा जो टीचर का एग्ज़ाम होने वाला है, उन सभी जगहों पे आपका यह टॉपिक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। टॉपिक है आज का हमारा गुणनखंड, यानी कि इससे रिलेटेड आपके किन किन तरह के क्वेश्चन बनते हैं, चलिए इस पर एक नज़र डालते हैं। तो आप देखेंगे कि किसी संख्या में कितने गुणनखंड होते हैं, ये एक तरह का आपको क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। इसके बाद आप जानेंगे कि सभी गुणनखंड का योग कैसे ज्ञात करते हैं, और अभाज्य गुणनखंड किसी संख्या में कितनी होती है, कितने भाज्य गुणनखंड होती है, कितने अभाज्य भाजक की संख्या होती है, कितने समभाजक की संख्या होती है, कितने विषम भाजक की संख्या होती है, यानी कि इस टाइप के जितने सारे प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं, सारे प्रश्न आज के इस वीडियो में आप लोगों को कवर होने वाली है। तो शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा, आपसे एक भी क्वेश्चन इस टॉपिक से नहीं छूटेंगे, इसकी पूरी गारंटी है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और सबसे पहले हम लोग समझते हैं गुणनखंड के बारे में कि ये गुणनखंड आखिर होता क्या है। देखिए, गुणनखंड जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जैसे 8 महीने लिख दिया और इस तरह से आप इसको करते हैं कि यहाँ से 4 से भाग लग गई, फिर यहाँ से 2 दिए, फिर ऐसे करके, तो ये इस तरह से सभी लोग निकालते हैं, ठीक है। तो इसी को हम लोग गुणनखंड कहते हैं, लेकिन इसमें एक बड़ी खास बात ये होती है कि किसी भी संख्या का अगर आप गुणनखंड निकालिएगा तो देखिएगा कि उसका जो सबसे बड़ा गुणनखंड होगा वह उसी संख्या के बराबर होगा, और बाकी के जितने सारे गुणनखंड होंगे वह उस संख्या से छोटे ही होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप 8 की बात करेंगे तो इसके देख लीजिए, ये 1 से भी कटेगा पूरा का पूरा, 2 से भी पूरा का पूरा कट जाएगा, 4 से भी पूरा का पूरा कट जाता है, और 8 से भी जाता है। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या की अगर बात करेंगे इसके गुणनखंड में तो वह 8 है और सबसे छोटी 1 है, यानी कि इससे स्पष्ट होता है कि किसी संख्या का गुणनखंड जो है सदैव उस संख्या के बराबर होता है या फिर उससे छोटा ही होता है। कभी भी किसी भी संख्या का गुणनखंड उस संख्या से बड़ा नहीं हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर हम कह सकते हैं कि 8 का गुणनखंड कभी भी 8 से बड़ा, यानी कि 9, 10, 11, 12 इस तरह से कभी भी नहीं हो सकता है। हाँ, किसी भी संख्या का जो उससे बड़ी उसका जो आती है, जिसमें उस संख्या से पूरे के पूरी तरह से भाग लग जाती है, वह उसका गुणज कहलाता है। जैसे कि 16, तो 16 में क्या है कि 8 से पूरा का पूरा इसमें भाग लग जाएगा, तो 8 जो है वह 16 का गुणनखंड होगा और 16 8 का गुणज कहलाएगा, जो गुणज के बारे में आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल गुणनखंड की ओर चलते हैं। तो सबसे पहला जो टाइप है वह है आपका कि किसी भी संख्या के सभी गुणनखंड हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं, कोई भी संख्या है उसका सभी गुणनखंड हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, इसको चलिए समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि किसी भी संख्या का सभी गुणनखंड निकालना होता है, एग्जाम्पल के तौर पर मैंने यहाँ पर 120 लिया है, तो इसका आप फैक्टर निकालिए, गुणनखंड कीजिए, पहले अभाज्य गुणनखंड कीजिए। इसमें क्या करेंगे, 2 से आप भाग देंगे, फिर 60 आया, फिर 30 आया, फिर इस तरह से 15, 5 और 1, ये चीज़ सभी को करने आता ही आता है। अब इसको आप दूसरी तरह से ऐसे लिख सकते हैं, या तो इसको आप 2 गुने 2 गुने 2, फिर इसको यहाँ पर 3 है, फिर यहाँ पर गुने 5 है, 1 को हम लोग नहीं लिखेंगे, ठीक है, 1 को हम लोग नहीं लिखते हैं, ठीक है, इतना ऐसे लिखेंगे। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख देंगे कि 2, 3, 5, और देखिएगा 2 कितनी बार आया है, तो कहेंगे आप 1, 2 और 3 बार आया है, तो 2 के पावर में 3 रख दिए, 3 कितनी बार आया है, तो 1 बार आया है, तो 1 के पावर में 1 रख दिए, और 5 कितनी बार आया है, तो 1 बार आया है, तो 5 के पावर में 1 रख देंगे। अब यहाँ पर क्या है कि किसी भी संख्या का गुणनखंड, कुल गुणनखंड निकालने के लिए आपको एक छोटा सा ट्रिक अपनाना है कि जितने सारे आप घात देख रहे हैं ना, इसमें जो भी इसका बेस है, जैसे यहाँ 2 के बेस में 3 है, 3 के बेस पर वहाँ पर पावर में 1 है, और यहाँ पर 5 के बेस में पावर में कितना है 1 है, तो बेस को छोड़ दीजिए, बेस कितना है उसको भूल जाइए, केवल पावर को लेकर के चलिए। यहाँ पर क्या है, 3 है, फिर आप देखेंगे 1 है, फिर 1 है, सभी के पावर में अपना मन से 1 बढ़ा दीजिए और आपस में गुना कर दीजिए, जो निकल के आएगा वही आपका इसका कुल गुणनखंड की संख्या हो जाएगी। यानी 3 था तो 3 में 1 जोड़ दिया मैंने, यहाँ पर 4 हो गया, 1 था तो 1 में 1 जोड़ दिया, ये 2 हो गया, और 1 था फिर यहाँ पर, तो 1 में 1 जोड़ दिया, यहाँ पर 2 हो गया, 4 दूना 8 और 8 दूना 16, यही इसका क्या हो जाएगा, गुणनखंड हो जाएगा। यानी कि आपके जो क्वेश्चन थे कि 120 के कुल कितने गुणनखंड होंगे, तो 120 के कुल कितने गुणनखंड होंगे, तो 120 के कुल 16 गुणनखंड ही होंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपके एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आते हैं तो आप उसको ईजिली आसानी से और कम समय में बना सकते हैं। चलिए दूसरे टाइप की ओर बढ़ते हैं, ये था आपका पहला टाइप। दूसरा टाइप ये है कि अभाज्य गुणनखंड की संख्या कैसे निकालेंगे, किसी भी संख्या का कुल कितना अभाज्य गुणनखंड हो सकता है, इसको आप कैसे निकालिएगा, वो अभी आपने देखा
कुल गुणनखंड, उसमें भाज्य और अभाज्य दोनों थे। तो अब यहाँ पर अगर क्वेश्चन में ये आता है कि केवल अभाज्य गुणनखंड बताइए कितना होगा, तो उसको हम लोग कैसे निकालेंगे। सेम एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल एक जैसा इसलिए लेते हैं क्योंकि हम लोग को बार बार गुणनखंड करने की आवश्यकता नहीं होगी। बस आप पैटर्न को समझिए, बाकी चीज़ आप इजिली आराम से खुद ब खुद समझ जाइएगा। इसीलिए सारे टाइप में मैंने एक ही तरह का एग्जाम्पल लिया है, वह एग्जाम्पल मैंने 120 को लिया है। तो इससे पहले भी आपने देखा था कि 120 का जब हम लोग फैक्टर करते थे तो 2 के पावर में 3, 3 के पावर में 1 और 5 के पावर में 1 आता था। अब यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड निकालने की जो बात होती है ना, इसमें देखिए कोई संख्या जितना बार आता है ना वही उसका अभाज्य गुणनखंड कहलाता है। जैसे यहाँ पर 2 कितना बार आया है 3 बार, 3 कितना बार आया है 1 बार और 5 कितना बार आया है 1 बार, ठीक है। यानी कि 2 आया है 3 बार, 1 आया है 1 बार और 5 आया है 1 बार, यानी कि सबको आपस में जोड़ दीजिए, 3 1 4 1 5, यानी कि 120 का कुल अभाज्य गुणनखंड कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अगर यहाँ पर पूछेगा कि भाज्य गुणनखंड कितना है, तो कुल गुणनखंड निकला था हमारा 16 और इसमें से अगर हम अभाज्य को घटा देंगे तो क्या हमारा भाज्य गुणनखंड नहीं निकल जाएगा, तो भाज्य गुणनखंड यानी 16 में से 5 को घटाइएगा तो 11 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन आपको ज़्यादातर एग्जाम में अभाज्य गुणनखंड की संख्या के बारे में ही पूछा जाता है, ठीक है। तो यही मैंने वहाँ पर लिख भी दिया है, आप इसको पढ़ के अच्छे से समझ भी सकते हैं, वीडियो को पॉज करके रोक करके आसानी से समझ के फिर आगे बढ़िएगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि अभाज्य गुणनखंड की संख्या उतना ही होगा जितना गुणनखंड में संख्या आएगी, अर्थात 120 के अभाज्य गुणनखंड की संख्या कितनी हो गई, 5। 5 कैसे हुआ, तो 2 आया था 3 बार, 3 आया था 1 बार और 5 आया था 1 बार, ठीक है। यानी कि 3 ये हो गया, 1 यहाँ पर 4 हो गया और 1 ये 5 हो गया। अब आप लोग के मन में एक सवाल आ रही होगी कि इसके गुणनखंड में तो 1 भी आता है ना, फिर हम लोग 1 को क्यों नहीं लिखे हैं। देखिए 1 ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है, इसीलिए 1 को हम लोग कभी लिखेंगे ही नहीं, ठीक है। 1 जो है वह न तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है, वह न भाज्य है ना अभाज्य, इसलिए 1 की चर्चा हम लोग कभी गुणनखंड में करते ही नहीं हैं, ठीक है। तो ये डाउट भी आप लोगों को क्लियर हो ही गया होगा। चलिए तीसरे टाइप की ओर बढ़ते हैं, अभाज्य भाजक की संख्या कितना होगा। देखिए अभाज्य गुणनखंड और अभाज्य भाजक दोनों दो चीज़ होती है। आप लोग अगर सोच रहे होंगे कि अभाज्य गुणनखंड और अभाज्य भाजक दोनों एक ही चीज़ होती है, तो देखिए अभाज्य गुणनखंड की संख्या का मतलब क्या हो गया कि अगर 2 5 बार आता है किसी भी संख्या को गुणनखंड निकालेगा तो 2 अगर वहाँ पर 5 बार आता है तो ये अभाज्य गुणनखंड में वो 5 इंक्लूड होगा। और अभाज्य भाजक की संख्या की बात करेंगे तो वह 2 ही है ना, देखिए यहां पर भी 2 है, ये भी 2 है, ये ही 2 है, तो ये तो 2 ही है ना, एक ही जाति है ना, तो ये केवल और केवल एक गिनती होगा कि 2 उसको काट रहा है, कितने बार काट रहा है वो गुणनखंड की संख्या में आएगा और कौन काट रहा है, तो 2 काट रहा है, तो यहां पर इसका एक ही बार काउंट करेंगे, यही आता है अभाज्य भाजक की संख्या में। तो सेम इसका एग्जांपल मैंने लिया है 120 लेकर के, फिर से 120 का वही मैंने गुणनखंड पहले निकाला था, वही यहां पर लिख दिया हूं, 2 के पावर में 3 है, 3 के पावर में 1 है और 5 के पावर में 1 है। अब देखिए किसी संख्या का जो गुणनखंड में जो जो संख्या आती है वही उसका अभाज्य भाजक कहलाता है। 2 कितना बार आया उससे मतलब नहीं है, हम यहाँ पर लिखेंगे 1। 3 कितना बार आया उससे मतलब नहीं है, ये हो जाएगा 1। 5 कितना बार आया उससे मतलब कोई नहीं है, ये हो जाएगा कितना, 1। यानी कि अभाज्य भाजक कितने हैं, 3 हैं। और कौन कौन से अभाज्य भाजक है तब आप लोग इजीली कह देंगे कि 1 आपका 2 है, 1 आपका 3 है, 1 आपका 5 है। अब ये तीनों को आपस में देखेंगे भी तो आप पाएंगे कि 2 एक अभाज्य संख्या है, 3 भी अभाज्य संख्या है और 5 भी अभाज्य संख्या ही है। इन सबों में से कोई भी आपको भाज्य संख्या नज़र नहीं आएंगे, ठीक है। तो ये था आपका तीसरा टाइप। चौथे टाइप की ओर चलते हैं कि सभी गुणनखंडों का योग कैसे याद करेंगे। जैसे कुछ देर पहले आपने देखा था कि 120 का कुल गुणनखंड जो था वह 16 आया था, जिसमें भाज्य और अभाज्य दोनों सम्मिलित थे। लेकिन क्या आपसे पूछा जाए कि सभी गुणनखंडों का योग ज्ञात कीजिए, तब आप लोग बहुत बड़े ही कंफ्यूज कर जाएंगे कि कितने गुणनखंड हैं, सभी को लिखिएगा, 16 को लाइन बाय लाइन लिखिएगा, फिर उसका जोड़ निकालिएगा, इतना में काफ़ी समय निकल जाएंगे आपके। इसके लिए भी एक छोटा सा ट्रिक है, बहुत ही शानदार सा ट्रिक है, इसको देखिए कैसे इसको हम लोग निकालेंगे। तो 120 का जैसे कि हमें निकालना है कि कुल गुणनखंडों का योग, तो हमें कुछ नहीं करना है, जैसे कि आपको पता है कि इसका गुणनखंड निकाल लेंगे और 2 3 बार है तो 2 के पावर में 3 लिख दिए, 3 कितने बार है 1 तो 1 के पावर में 3 के पावर में 1 लिख दिए, और 5 कितने बार है 1 तो 5 के पावर में हमने यहाँ पर 1 लिख दिया। अब यहाँ पर आपको ट्रिक ये लगानी है कि सभी गुणनखंडों के जो घात है उसको 0 तक ले जाना है। जैसे 2 के पावर 3 है ना, तो इसको हम लोग 2 के पावर 0 तक लेकर ले जाएंगे। कैसे लेकर के जाएंगे, तो देखिए 2 के पावर 3 है तो फिर इसको 2 के पावर 2 लिखेंगे, फिर 2 के पावर 1 लिखेंगे, फिर 2 के पावर 0 लिखेंगे, तब ये 0 तक आ गया, ठीक है। और सभी के बीच में क्या करेंगे कि जोड़ जोड़ का चिन्ह लगा देंगे अपना मर्जी से, ठीक है। फिर इसी तरह से 3 के पावर 1 है तो फिर जोड़ कर देंगे, 3 के पावर 0 कर देंगे, और इन दोनों के बीच में क्या है कि गुणा लगा देंगे। फिर 5 के बारे में ही ऐसे करेंगे। अब इसको हमने क्या किया, देखिए यहाँ पर नीचे कि
जैसा मैंने आपको अभी बोला है वैसा ही 2 के पावर 3 था, 3 के पावर 1 था और 5 के पावर 1 था, तो सबको मैंने घटा घटा करके 0 के फॉर्म तक पहुंचा दिया। ये देख लीजिए 3 के पावर 1, फिर जोड़ 3 के पावर 0, फिर देख लीजिए 5 के पावर 1 और 5 के पावर 0। अब देखिए किसी भी संख्या के पावर में अगर 0 होता है ना तो उसका मान 1 हो जाता है। ये हमेशा याद रखिएगा, ये फॉर्मूला ही है कि किसी भी संख्या, कितना भी बड़ा संख्या होना, उसके पावर में अगर 0 रख दीजिएगा तो उसका पूरा वैल्यू जो है वह 1 हो जाता है। तो इस तरह से आप देखिएगा 2 के पावर 3 यानी 2 × 4 × 8, फिर 2 के पावर 4 यानी कि 2, यानी कि 2 × 2 = 4, तो 8 × 4 = 12 हो गया, फिर 2 के पावर 1 यानी 2, तो 12 × 2 = 14, और यहाँ पर 1 हो जाएगा, 2 के पावर 0 है तो इसलिए ये हमारा हो गया 15। इसी तरह से इसको सॉल्व कीजिएगा तो 3 × 3 और 1 यहाँ पर जुड़ जाएगा 4, 5 × 5 और 1 यहाँ पर जुड़ जाएगा 6, यानी कि 15, 4 और 6, इन तीनों को गुना कर लीजिए आपस में, 360 आपका यहाँ पर आंसर आ जाएंगे। तो इस तरीके से आप कितने भी बड़े से बड़े संख्या हो उसके बारे में अगर आपको पूछा जाएगा कि इसके सभी गुणनखंडों का योग ज्ञात कीजिए तो बड़े ही आसानी से इसका जवाब आप लोग दे पाएंगे। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपको सभी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होगी। कहीं पर अगर दिक्कत हो तो आप लोग वीडियो को पॉज करके दोबारा देखिए, अगर फिर भी नहीं समझ में आती है तो कमेंट बॉक्स में आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं उन चीज़ों को दूर करने का पुनः प्रयास करूँगा। चलते हैं 5वें टाइप की ओर। जो 5वां टाइप है वह है कि किसी भी संख्या का सभी समभाजक ज्ञात करना। अभी तक हम लोगों ने सभी गुणनखंड के बारे में जाना, उसके योग के बारे में जाना, तो सभी गुणनखंड में आपके सम और विषम दोनों गुणनखंड आते थे ना। अब आपको केवल ये पूछ दिया जाए कि केवल सम गुणनखंड के बारे में बताइए, तब आप उसको कैसे बताइएगा, ये भी बड़ा ही आसान है। देखिए कैसे होगा, 120 है ना, तो 120 को आप वैसे ही लिख लीजिए जैसे अभी तक लिखते आ रहे हैं गुणनखंड के फॉर्म में, 2 के पावर 3, 3 के पावर 1 और 5 के पावर 1। अब मुझे ये नहीं लगता है कि ये बताना पड़ेगा क्योंकि सारे में मैंने एक ही तरह का एग्जांपल लिया है। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गई होगी कि 2 के पावर 3, 3 के पावर 1 और 5 के पावर 1 मैंने क्यों लिखा है। अब देखिए क्या कह रहा है, यहां पर ध्यान देने बात यही है कि एक आपको पूछेगा समभाजक और दूसरा आपको क्वेश्चन में पूछेगा विषमभाजक, तो दोनों में बस एक ही चीज करना है। समभाजक जहां पर पूछेगा ना तो सम जो संख्या रहेगी बेस में उसके पावर में कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, कोई भी छेड़छाड़ नहीं करनी है, और जितने सारे विषम रहेंगे उसको 1 बढ़ा करके और आपस में गुणा कर दीजिए जैसे अभी तक आप लोग करते आए हैं। तो ठीक है, तो इसमें आप देखिएगा, बताइए तो ये 2 के पावर 3 है, 3 के पावर 1 है और 5 के पावर 1 है, तो यहाँ पर 2, 3 और 5 में कोई ऐसा संख्या है जो सम है, तो आप कहेंगे कि हाँ 2 सम है, तो इसके पावर में कोई भी छेड़छाड़ नहीं करना है। 3 है तो 3 ही लिखेंगे, कोई भी 1 न बढ़ाना है न घटाना है। लेकिन यहाँ पर 3 के पावर में 1 देखिएगा, ये एक विषम संख्या है तो विषम में 1 बढ़ा देंगे, 5 के पावर 1 यानी ये भी विषम है तो 1 बढ़ा देंगे। अब ये बढ़ा करके आपस में गुना कर दीजिए, 3 × 3 हो गया, 1 × 1 = 2 और 1 × 1 = 2 यानी कि 3 × 2 = 6 × 12, ये इसका आंसर आ गया कि किसी भी संख्या यानी 120 के टोटल सम भाजक की संख्या कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ये आप चेक भी कर सकते हैं, 12 ही आएंगे, 13 नहीं आ सकते हैं, ना ही आपके 11 आ सकते हैं, ना ही कोई अदर संख्या आ सकती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टाइप है और सबसे लास्ट है इस वीडियो का आपका टाइप, वह है कि किसी भी संख्या के सभी विषम भाजक कैसे निकालेंगे। अभी तक आप लोग सम भाजक निकालना सीख गए थे, अब हम लोग सीखेंगे कि विषम भाजक कैसे निकालेंगे। ये तो उससे भी आसान है, जैसे आपने सम भाजक निकालना सीखा है ना, उससे भी आसान है ये विषम भाजक निकालना। देखिए कैसे, तो इसमें क्या करना है, एग्जाम्पल मैंने वही लिया है, फिर से 120 ही लिया है क्योंकि बार बार कैलकुलेशन नहीं करना पड़े, वीडियो आपका शॉर्ट रहे, कम समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को सीख सकें, इसीलिए मैंने एक ही तरह के एग्जांपल का यहाँ पर प्रयोग किया है। आप चाहे तो आप अलग अलग एग्जांपल को लेकर के भी देखेंगे तो आपका आंसर एकदम बिल्कुल परफेक्ट आएगा। यह ट्रिक सभी संख्या के लिए उपयोगी है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि मैंने 120 के एग्जाम्पल में दिया हूँ तो 120 पर ही लागू होगा, जी नहीं, ये कितने से कितने बड़े से बड़े और छोटे से छोटे संख्या होंगे, ये सारे के सारे तरीका जो है सभी संख्याओं पर लागू 100% होगा। ठीक है, तो चलिए इसके विषम भाजक की संख्या ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, सेम इसी तरह से इसका फैक्टर करेंगे जो आपके सामने दिख गया है। अब इसमें चूंकि विषम पूछा जा रहा है ना, क्वेश्चन में क्या है कि विषम भाजक ज्ञात करना, तो विषम जितना है उस सबको रखिए और जो सम है ना उससे हमारा नाता रिश्ता यहीं पर खत्म, सम से कोई मतलब भी नहीं है। तो आप पाएंगे कि इसमें जो है इसका फैक्टर 2 के पावर 3 है, 3 के पावर 1 है और 5 के पावर 1 है, इसमें से सम बेस किसका है, तो 2 का है ना, तो 2 से कोई माने मतलब ही नहीं रहेगा, इसको एकदम जुदा कर दीजिए। ठीक है, इससे कोई मतलब ही नहीं है, इसको आप अलविदा कह दीजिए। ठीक है, मतलब किसके साथ है, जो आपके विषम है। ठीक है, इससे ही मतलब रखना है अब, क्योंकि ये सम था और सम का हमारा चर्चा ही नहीं है, विषम निकालना है, तो सम को बात को खत्म कर दीजिए, विषम को लेकर के चलेंगे। अब इसमें क्या करना है, सेम वही करना है हमेशा की तरह कि पावर में 1 बढ़ा दीजिए और आपस में गुना कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे कि यहाँ के 3 के पावर में 1 है ना, तो 1 और 1 कितना हो जाएगा,
दो हो जाएगा। यहाँ पर पाँच के पावर में कितना था, एक था ना, तो एक और एक कितना हो जाएगा, दो हो जाएगा। तो वही तो मैंने यहाँ पर किया है, एक और एक, एक और एक, यानी दो और दो, दोनों को आपस में कर दीजिए गुना, कितना आ गया आपका, दो दूना चार होता है, ठीक है। दो दूना पाँच और छः तो नहीं होता है ना, कोई लोग ये तो नहीं सोच रहे हैं कि दो दूना छः होंगे या फिर पाँच होंगे, तो इतना आप लोग समझदार हैं, दो दूना चार, यानी कि 120 के कुल विषम भाजक की संख्या की बात करेंगे तो वह कितना आ जाएगा आपके, चार आ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से मैंने आपको छह टाइप बताया है गुणनखंड के बारे में। उम्मीद करते हैं कि आपके जो आने वाले एग्ज़ाम हैं बीपीएससी के द्वारा जो टीचर के एग्ज़ाम हैं, इसमें अगर गुणनखंड से क्वेश्चन आते ही आते हैं तो आएंगे ही, वैसे तो आएंगे, तो इसी छह टाइप में से कोई एक टाइप से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि सारे टाइप को आप सबों ने बहुत ही अच्छे से समझ लिया होगा। वीडियो को अंत तक देखे हैं सभी को धन्यवाद। अगर अच्छी लगी है तो आप सभी लोग कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, जहाँ कहीं भी समझ में नहीं आई हो तो आप हमें वो भी बातें जरूर सूचित करेंगे, क्योंकि आपकी फीडबैक ही हमारे वीडियो की गुणवत्ता को सुधारने में कारगर साबित होती है। इसीलिए वीडियो को अंत तक देखने के लिए कि आप सबों को शुक्रिया। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए हमारे चैनल आर स्टडी को, जो चैनल का नाम है आर स्टडी, इसके साथ बने रहिए। अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, सारे के सारे लोग वीडियो पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और इस तरह के वीडियो अगर आप फ्यूचर में देखना चाहते हैं तो बेल वाले आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि जब कभी भी मैं वीडियो को अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाए।